नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली के कड़च मोहल्ले में एक मामला सामने आया। मामला था बच्चा चोरी को लेकर, जिसका पुलिस ने तत्परता के साथ खुलासा कर दिया। ये मामला हाईलाइट भी है और इसमें पुलिस की वाहवाही भी हो रही है। मामला क्या है वो आपको बताते हैं, क्योंकि मामला ऐसा है, बच्चा चोरी किया गया, 2.5 लाख में सौदा हुआ, 50,000 रुपये एडवांस दिए गए। एक बहुत बड़ा पूरा गिरोह एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे और पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। दरअसल रविवार देर शाम को एसएसपी कार्यालय में अपहरण की घटना का खुलासा करते हुए डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने बताया कि शनिवार को रविंद्र सिंह, जो कि निवासी कड़च ज्वालापुर के 8 महीने के बेटे शिवांश का अपहरण कर लिया गया था, ये खबर मिली। शिवांश का जब अपहरण हुआ तो वो सो रहा था और उसकी माँ राखी छत पर कपड़े सुखाने गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिसके बाद पुलिस और एसओजी की टीम ने खोजबीन शुरू कर दी। संदिग्ध मोबाइल फोन नंबरों को ट्रेस करते हुए खोजबीन शुरू की गई और रविवार को भारत माता मंदिर के पास एक मोबाइल फोन की नंबर लोकेशन मिलने पर घेराबंदी की गई। वहां पर आशा कार्यकर्ती के रूप में रूबी, जो कि मूल रूप से निवासी गगलहेड़ी सहारनपुर उत्तर प्रदेश की है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का काम कर रही है, और श्यामपुर कांगड़ी निवासी कपड़ा व्यापारी संजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इनसे पूछताछ की। पूछताछ करने पर पता चला कि अपहरण में शामिल किरण, अनीता, सुषमा, ये सभी जो हैं कड़च मोहल्ले के ही निवासी थे, और कपड़ा कारोबारी संजय की पत्नी पारुल, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने ये बताया कि किरण, सुषमा और अनीता ने मिलकर बच्चे का अपहरण किया। उन्होंने ये भी बताया कि रविंद्र के घर के बराबर में रहने वाली किरण ने ही मौका पाकर सोते हुए बच्चे को उठा दिया। उसने दूसरी गली में रहने वाली सुषमा को बच्चा सौंपा, सुषमा ने पड़ोस में रहने वाली अनीता को बच्चा दिया। अनीता बच्चे को लेकर आशा कार्यकर्ती रूबी के पास पहुंची और रूबी के हवाले किया। रूबी ने शनिवार को ही बहादराबाद क्षेत्र में जाकर कपड़ा व्यापारी संजय को यह बच्चा सौंप दिया। संजय ने 50,000 रुपए नगद दिए और 2 लाख रुपए बाद में देने का वादा भी किया। इसके बाद संजय बच्चे को अपनी पत्नी के पास ले गया। जब यह पूरा मामला हाईलाइट हुआ, बच्चा चोरी की सूचना फैली, इसके बाद संजय डर गया। उसने रविवार को ही आशा कार्यकर्ती को भारत माता मंदिर के पास बुलाया और वहां पर वो बच्चा उसे वापस कर दिया। इसी बीच पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और मौके से ही दोनों आरोपियों को बच्चे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया है कि बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया, 50,000 रुपए नगद भी बरामद कर लिए गए, जो कि उनका लेन देन हुआ था। और इस पूरे मामले का खुलासा होने पर एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह और डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने पुलिस की पीठ भी थपथपाई है। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप संवाद 365 के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जुड़ सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।